राजद शासन काल में मुख्यमंत्री आवास में आप देखते थे कि दारू पी लगकर लोग कुर्ता फाड़ डांस करते थे मुख्यमंत्री के सामने, और इस डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहे पर, खुलेआम चौराहे पर लोग बाउंड्री बाल पर बैठ के दारू उनके शासन काल में पीते थे। माँ महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी, चैन छीने जाते थे, बाइक छीने जाते थे, गाड़ियाँ छीनी जाती थी, शराब के नशे में होता था। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं सुनिएगा, चोरी छुपे लोग कारोबार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग पकड़े जा रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को अपने गिरेवान में झांक के देखना चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि शराबबंदी को पूरी तरह से हम लागू करेंगे और आने वाले दिनों में रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। नेता प्रतिपक्ष तो बिहार में रहते नहीं हैं, दिल्ली और सैर सपाटे में रहते हैं, बिहार की जानकारी नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि शुरुआती दौर में ही जदयू के MLC को ही गिरफ्तार किया गया था, जेल में रही महिला थी, और बड़े बड़े हस्तियों को इस केस में गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हों, ABCD बड़े हों या छोटे हों, कार्रवाई सब पर होती है। देश के इतिहास में, या फिर ये कहिए कि बिहार और देश और बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब दरोगा ने जज पर बंदूकों ताना, गालियों दिया, मरव किया। ये मामला बिहार के मधुबनी का है, जब दो जज और SHO और SI के बीच बहस हो रही थी, उसके बाद SHO या SI ने दोनों ने अपना आपा खोया और जज को मारा भी, गालियों दिया, पिस्तौलों ताना और धमकी दिया। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ BJP के नेता डॉक्टर विनोद शर्मा है। सर, जज का नाम हम बता देते हैं, जज का नाम है ADG अविनाश कुमार और SHO गोपाल प्रसाद और SI अभिनय कुमार के बीच बहस के दौरान रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल प्रसाद और अभिनय कुमार ने जज पर अचानक हमला कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है सर बिहार और देश के इतिहास में। देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, चूँकि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, जज का सम्मान करते हैं, पूरा प्रदेश और देश करता है। और इस स्थिति में कोई मानसिक संतुलन खोने वाला ही व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है। जो भी SHO, दरोगा या कोई भी व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह का एक्शन लेते हैं, तो न्यायालय काम करेगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार उनको हर संभव सजा देगी। और निश्चित रूप से ऐसे लोग पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और आगे से ऐसा कोई भी सरकारी कर्मी या कोई व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस नहीं करेगा, चूँकि न्यायालय पर ही इस तरह की बात होगी तो आम लोग क्या करेगा। सर, 7 घंटे की शराब पर समीक्षा बैठी, जिसके बाद मीटिंग के ही दौरान 100 मीटर के दूरी पर शराब का बोतल पाया जाता है, फिर कुछ अगला दिन एक ट्रैक्टर लदा हुआ पाया जाता है शराब से। देखिए, हर सरकार कानून लगाती है, कानून लाती है राज्य की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। हमारी सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने इस कानून को लाया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, कि बिहार वासियों को अधिक से अधिक शांति मिल सके, उनके सुख का चैन मिल सके, उनका परिवार सुरक्षित रह सके, और निश्चित रूप से इसका फायदा मिला है। लेकिन कुछ जो हैं इस तरह के माफिया लोग अभी भी यह काम कर रहे हैं, शराब ला रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन सरकार अपना काम नहीं बंद कर सकती है, अनुसंधान नहीं बंद कर सकती है, और निश्चित रूप से प्रयास जारी रहेंगे। आप देखें कि सती प्रथा कानून जब लागू हुए थे तो बरसों लगे, सती महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता, लेकिन आज कहीं भी गलती से नहीं सुने कि कोई महिला सती होती है। उसी तरह से बाल विवाह का भी कानून था तो काफ़ी समय लगे थे, लोग जब समझ जाएंगे कि ये गलत है, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए हानिकारक है, तो निश्चित रूप से वो लोग बंद कर देंगे। और जो माफिया तंत्र लगे हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है, 3 लाख से ऊपर लोगों को केस हो चुका है, लाखों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 50,000 को सजा हो चुकी है, और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा, और तेज़ी से और मजबूती से उस पर कार्रवाई होगी। और राज्य सरकार निश्चित रूप से इस पर बार बार ज़रूरत पड़ी तो इस पर मीटिंग करेगी, सर्वे करेगी और प्रयास जारी रखेगी, और निश्चित रूप से बिहार की जनता का सहयोग मिलेगा इसमें। और जो लोग अभी भी नासमझी में इस काम को कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग नहीं बच पाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में देखें कि करीब करीब यह काम बंद हो जाएगा। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे ही जो लोग हैं, जो माफिया से जिनकी मिली भगत है, वही इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, और पकड़ा जाता है सिर्फ आम जनता को, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो बिहार में रहते नहीं हैं, दिल्ली और सैर सपाटे में रहते हैं, बिहार की जानकारी नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि शुरुआती दौर में ही जदयू के MLC को ही गिरफ्तार किया गया था, जेल में रही महिला थी,
और बड़े बड़े हस्तियों को इस केस में गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी हों, एबीसीडी बड़े हों या छोटे हों, कार्रवाई सब पर होती है। इसलिए उनको ये बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके राज में, राजद शासन काल में, मुख्यमंत्री आवास में आप देखते थे कि दारू पी लगकर लोग कुर्ता फाड़ डांस करते थे मुख्यमंत्री के सामने, और इस डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहे पर, खुलेआम चौराहे पर लोग बाउंड्री वाल पर बैठ के दारू उनके शासन काल में पीते थे। माँ महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी, चैन छीने जाते थे, बाइक छीने जाते थे, गाड़ियाँ छीनी जाती थी, शराब के नशे में होता था। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं सुनिएगा, चोरी छुपे लोग कारोबार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग पकड़े जा रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को अपने गिरेवान में झांक के देखना चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि शराबबंदी को पूरी तरह से हम लागू करेंगे और आने वाले दिनों में रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। चलिए, ये थे बीजेपी के नेता डॉक्टर विनोद शर्मा। इनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनके काल में, उनके समय में, उनके राज में ये सब खुलेआम होता था, हमारे सरकार में कम से कम अब कम हो चुका है, ना के बराबर होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।